इन रिपोर्ट्स में जो लिखा है उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है? सोनाक्षी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ ये रिपोर्ट्स हैं और एक तरफ माँ और सोनाक्षी दोनों इतने श्योर हैं, वो लोग भी इतने गलत तो नहीं हो सकते ना? तो क्या ये रिपोर्ट्स गलत हैं? ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? इतनी सारी चीजें होती हैं इस दुनिया में और ये रिपोर्ट्स भी तो कितनी पुरानी है। और वैसे भी माँ और सोनाक्षी दोनों को ऐसा नहीं लगता। मैं क्या करूं, इन रिपोर्ट्स को मानूं या जो माँ और सोनाक्षी को लग रहा है उसे मानूं? मुझे आज में जीना चाहिए। देव, क्या मार कर फेंक रहा है? नहीं माँ, वो फोन लेने आया था, कुछ पुराने कागज। अच्छा छोड़, मुझे बताना कि वो अंग्रेजी में शुक्रिया कैसे कहते हैं, सिखाना। थैंक यू। बहुत प्यार करता है ना अपनी माँ से, इसीलिए अपना फैसला बदल कर मेरी बात मान ली। तुझे नहीं पता तूने क्या किया देव, अब हो सकता है तुझे प्यार बांटना पड़ेगा। हो सकता है जो आने वाला है उसे मैं तुझसे ज्यादा प्यार करूं, हो सकता है कि उसका तुझसे ज्यादा ख्याल रखूं। देख मैं पहले से बता रही हूँ, बाद में मुझसे लड़ना मत। मैं तुझसे कभी लड़ सकता हूँ क्या? जानती हूँ, इसीलिए मेरे मन की बात समझ कर मुझे थोड़ी इतनी बड़ी खुशी दे दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, देखना इतने अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं हमारी सोना का। हमारी सोना? हाँ, कब तक वो सिर्फ तेरी बनी रहेगी, मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं। देख बेटा, अब मैं जो करूंगी सो करूंगी, पर तुझे भी सोनाक्षी का बहुत ख्याल रखना होगा। मुझे पता है तू रखता है ख्याल, पर उससे भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। अब ना तो उसे उसकी जो मर्जी है लाकर दिया कर, जहां उसे जाना है उसे ले जाया कर, आराम आराम से पर ले जाया कर, उसे हमेशा खुश रख, कोई भी तनाव नहीं रहना चाहिए। क्या होता है ना बेटा, ऐसे वक्त पर ना एक पत्नी को देखभाल की नहीं अपने पति के साथ की जरूरत होती है। तू एक अच्छा पति तो है ही, अब सही मायने में अच्छा जीवन साथी बनकर दिखा। जितना वक्त तू बिता सकता है ना सोनाक्षी के साथ, उतना वक्त तू सोनाक्षी के साथ बिता कर, समझ रहे हो ना? देव, क्या दिख रहा है? तुझे देख रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये मेरी माँ है। पता है मैं हमेशा चाहता था कि तू सोनाक्षी को उतना ही प्यार करे जितना मुझे प्यार करती है, और जितनी उम्मीद थी मुझे इस बात की, जितना विश्वास था तुझ पे, उतना ही इस दिन का इंतजार भी था। और आज तो ऐसा लग रहा है कि तुझे मुझसे ज्यादा सोनाक्षी की फिक्र है, अपनी बहू की फिक्र है। मुझे तुम दोनों की फिक्र है बेटा, तुम दोनों ने मिलकर मुझे ये खुशी दी है। पर मैं समझ सकती हूँ तू क्या कहना चाह रहा है। मैं भी अपने अंदर एक अच्छा सा बदलाव महसूस कर रही हूँ। बच्चे के मुंह ने आखिर एक सास की कमजोरियों को हरा ही दिया। अब मैं सास नहीं, बस दादी बनना चाहती हूँ। देव, थैंक यू। देव, थैंक यू। आप पापा बनने वाले हैं? मेरा छोटा सा देव खुद पिता बनने जा रहा है। मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊँ देव। अब देखना, मैं सोनाक्षी को ना एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी।
कितने अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं हमारी सोना का। हाथ नहीं जोड़ूंगा मैं, सर भी नहीं झुकाऊंगा। सोचा था खुद को इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन मां मेरे बारे में इतनी बातें करती होगी ना, लगता है जरूरत नहीं है। तुझे कौन नहीं जानता, सच तो ये है, ये तेरी आरती, तेरा चालीसा, ये सब कविताएं, अच्छे अच्छे बोल हैं तेरी तारीफ में, जिनमें कोई सच्चाई नहीं। ये वैसे है जैसे एक बच्चे को कहा जाता है कि चंदा मामा है, वैसे ही लोगों ने पता नहीं कितने रिश्ते जोड़ रखे हैं तुझसे। वो सब रिश्ते झूठे हैं वो रिश्ते उतने ही जितनी वो कहानियां झूठी हैं। मैंने आज तक कोई तेरा चमत्कार नहीं देखा, ना ही तेरी दया, तेरी इंसानियत तक नहीं देखी मैंने आज तक, फिर भी लोग तुझे मानते हैं, तुझसे ही सब कुछ मांगते हैं, तेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुझे बहुत पावरफुल कहते हैं, तो आज मेरी भी एक छोटी सी बात मान ले, सोनाक्षी की प्रेगनेंसी की बात को सच कर दे, मेरा परिवार पूरा हो जाएगा, मैं उसके बाद तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं रखूंगा, तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, जो हुआ उसे भी भूल जाऊंगा। बदल दे सब कुछ, झुका दे मेरा सर, तोड़ दे मेरा गुरूर, तोड़ दे, लेकिन सोनाक्षी और मां का दिल मत तोड़ना। इस बार तू मेरी खुशियां मुझसे नहीं छीन सकता। आपने मुझे अब तक ये क्यों नहीं बताया कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते? हाँ तो नहीं मानता मैं भगवान में, भगवान ने आज तक किसी का कुछ भला नहीं किया है। मैं ये मानता हूं कि अगर इंसान कुछ चाहे तो वो कर सकता है। प्लीज भगवान, प्लीज प्लीज। प्लीज प्लीज मेरी ये बात मान ले।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.